बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का सेवन स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं दोस्तों आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ जो आपके करियर से रिलेटेड होंगी। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के एग्जाम अभी चल रहे हैं और एक चीज मैं आपको एज अ मोटिवेट करने के चक्कर में आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करना, ताकि दोस्तों आपको अभी आपने क्या टारगेट बनाया होगा, खासकर दिल्ली के जो बच्चे हैं उनको बहुत आसानी से दोस्तों SOL में एडमिशन मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने यही सोचा होगा कि मैं कुछ और चीज साथ के साथ में करूंगा और ड्यू से ओपन कॉलेज कर लूंगा, तो क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि उनके इतने मार्क्स आएंगे नहीं कि उन्हें कॉलेज मिले। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। अगर आप भी कुछ ऐसे कॉलेज को लेकर थोड़ा बहुत टेंशन में हो या कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है कि कॉलेज के लिए क्या अच्छा डिसीजन रहेगा, कौन सा कॉलेज लें, ओपन से करें या फिर रेगुलर कॉलेज करें, तो क्या इस टाइप के अगर आपको सवाल आ रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना। ये 2-4 मिनट की वीडियो अगर आपका दोस्तों आने वाले समय में आपको आगे चल के पछताना ना पड़े, तो इसके लिए आज ये 2-4 मिनट दे देना इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार ये वीडियो। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों तक पहुंचे जो अभी एग्जाम दे रहे हैं 12th क्लास का, क्योंकि मैं और मेरे जैसे और बहुत सारे बच्चे थे जिनके समय पे ऐसी उन्हें कोई गाइड करने वाला सही नहीं था उस समय, तो कहीं ना कहीं हम लोग आज गलत डिसीजन ले पाए और जो भी है, तो आपको ऐसा ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा डिसीजन ले अपनी लाइफ को लेके। बिना किसी रुकावट के मेरी वीडियो का ऐसे ही मजा लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब करिए अभी चैनल को और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। मैं एक चीज पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको जो कॉलेज है दोस्तों वो रेगुलर ही करना चाहिए, चाहे कॉलेज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कहीं से भी हो, कोई भी कॉलेज मिले आपको थोड़ा बहुत कोशिश करना है, चाहे वो स्कॉलरशिप में मिले या फिर आपको पूरी तरीके से उसको पे करके ही लेना पड़े, कैसे भी एडमिशन मिले या फिर दिल्ली से बाहर मिले या फिर आप दिल्ली से ऑलरेडी बाहर रहते हो, जहाँ के भी स्टूडेंट हो आप, आपके आसपास भी ओपन कॉलेज होंगे, जरूर होंगे कि आप घर बैठ के ही बस पेपर देने जाना होता है और डिग्री आपको मिल जाएगी। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, जो मेंटल विकास है वो आपका नहीं हो पाएगा, दिमाग आपका बहुत ज़्यादा नैरो माइंड हो जाएगा। मतलब कह सकते हो कि 12th तक तो आपने पढ़ा, अब जो चीज़ दोस्तों आप कॉलेज डेली जाओगे तो बहुत सारे लोगों से इंट्रैक्शन होगा, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आएंगे करियर से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये इम्प्रूव होती हैं कॉलेज जाने से। कोई भी रेगुलर चीज़ अगर आप करोगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, क्या नई नई एजुकेशनल चीज़ें हैं, वो आपको पता चलेंगी। तो ये सारे फ़ायदे हैं कॉलेज जाने के। घर में रहोगे, अगर आप सोचोगे कि मैं अभी से ही जॉब पे लग जाऊं, तो यार जॉब तो आपको आगे आने वाले 3-4 साल बाद फिर से करनी ही करनी है, तो यार अभी 1-2 साल अगर आप थोड़ा कॉलेज को अच्छे से दे दोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बेटर एजुकेशन भी आप गेन करोगे और नॉलेज आपको मिलेगी, और दूसरी चीज़ फिर आप थोड़ा और अच्छा कमा पाओगे ना। आफ्टर 12 जितना आप कमाओगे वो आफ्टर ग्रेजुएशन उससे ज़्यादा ही कमाओगे आप, और थोड़ा अच्छा आपको नॉलेज तो होगी, नहीं कुछ है तो एक नॉलेज तो हो ही जाएगी आपको कि ऑल ओवर दुनिया में या फिर क्या चल रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप SOL को दोस्तों स्विच करो और उसका बिल्कुल भी टारगेट लेके मत चलना कि आप SOL या किसी भी ओपन कॉलेज में आप एडमिशन ले लोगे और उसके साथ साथ आप या तो कंप्यूटर कोर्स करोगे या कोई भी स्किल, दूसरी स्किल अपनी डेवलप करोगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपका कॉलेज करने का ही मन नहीं है, आपको नहीं करनी ग्रेजुएशन, आप कुछ और स्किल्स ट्राई करना चाहते हो, तो बिल्कुल कोई रेगुलर इंस्टीट्यूट पकड़ लो और उसी चीज़ में लग जाना। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हो, या वेब डेवलपर बनना चाहते हो, या आप इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, आपका जो भी पैशन है दोस्तों आप उस पैशन को पकड़ लो आफ्टर 12th। घर पे बैठना या फिर कुछ टाइम करियर के बारे में सोचना, ये आपके पास मौका होगा, जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप अपने करियर के बारे में सोच के डिसाइड कर लेना इन अप्रैल और मई की छुट्टियों में। मतलब 1.5 महीने तक का तो समय होगा ही आप पे एग्जाम खत्म होने के बाद, उस बीच आप अपने करियर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको फुलफिल कर लेना, उनके सारे डाउट्स क्लियर कर लेना और जो चूज करना है वो चूज कर लेना। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी अपने दोस्तों को देख के इन्फ्लुएंस मत होना या अपने मम्मी पापा के सपनों के दबाव में आके भी इन्फ्लुएंस मत होना कि यार वो चाहते हैं मैं इंजीनियर ही बनूं, इंजीनियरिंग ही कर लेता हूँ। आप ये देखो कि क्या आप इंजीनियरिंग कर भी पाओगे या नहीं,
बस दबाव में आके आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, तो वहां पर आपके पैसे, के मम्मी पापा के पैसे भी बर्बाद जाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप वो चीज चूज करो जो आप अच्छे से कर सकते हो और जो करने में आपको मजा आए, चाहे फिर वो YouTube ही क्यों ना हो। तो जो भी है आप उस चीज को देखो दोस्तों, आप अपनी चीजों को ढूंढो कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। और मैं अगर पर रही बात यहाँ पर कॉलेज की, तो कॉलेज रेगुलर ही करना है, ओपन करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने भी, अगर मैं बात करूँ दोस्तों 100 में से 80 या 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि रेगुलर कोई दबाव ही नहीं है उनके ऊपर और एग्ज़ाम एकदम सर पे आ जाते हैं, इसीलिए दोस्तों वो बार बार बैक का एग्ज़ाम देते रहते हैं और वो साइड बाई साइड या तो जॉब करने लगते हैं या फिर कुछ और चीज़ें करने लगते हैं या फिर आवारागर्दी करने लगते हैं, और पढ़ाई से बिल्कुल उनका जो कॉन्सेंट्रेट है वो निकल जाता है, क्योंकि एक साल अगर आप खाली बैठ गए तो फिर उस चीज़ में मज़ा आने लगता है और फिर वो ज़िंदगी झंड हो जाएगी आपकी, तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए रेगुलर कॉलेज पकड़ लेना। क्योंकि रेगुलर कॉलेज आप जाओ, भले ही वहाँ पर भी, क्या मैं ये नहीं कह रहा कि रेगुलर कॉलेज करने वाले स्टूडेंट्स सब पढ़ाकू ही होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने करियर को लेके, बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर भी लोग कुछ गलत चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पर वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपके पास ज़्यादा रास्ते खुलेंगे कुछ आपके करियर से रिलेटेड, तो एक वहाँ पर फ़ायदा होता है। और फिर आप आसपास के आपके माहौल जो आप देखोगे कि इस स्टूडेंट को यहाँ पर प्लेसमेंट मिल रही है या ये बंदा इसके इस बार ये टॉपर रहा है, ये कर रहा है या फिर वो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलेगा, तो वहाँ पर मोटिवेशन भी मिलेगा। और ये चीज़ आपको SOL में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्ट सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हो और कॉलेज लाइफ का आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। कॉलेज लाइफ काफ़ी ज़रूरी है जीना, तो बिल्कुल मैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बहुत सारे बच्चों से मिला हुआ हूँ, मेरे दोस्त बहुत सारे SOL में हैं, तो मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कोशिश करिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट पकड़िए या कॉलेज रेगुलर होना चाहिए, और आफ्टर 12th आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, 1 से 2 महीने के बाद ही आप इन चीज़ों में अपना नाम लिखवाएं और अपना टारगेट जो आगे का करियर है वो आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और बाद में आप पछताओगे। अगर आपने SOL 2 साल करा तो सेकेंड ईयर में आप पक्का पछता रहे होगे, यार क्यों ले लिया SOL। तो ये चीज़ है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हुआ हूँ SOL के और वो सब कहते हैं काश, तो अभी कोशिश कर लो कि थोड़े बहुत मार्क्स आ जाए, मतलब 60 से अबव मार्क्स तो आपको लेके आने ही आने हैं। ये मत सोचना कि 90 से नीचे यहाँ दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा वो मैं बात मान सकता हूँ, पर बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी फीस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और आप आराम से कर सकते हैं। ये आप अपने आसपास पता लगाइए, कुछ और चैनल्स को फॉलो करिए जो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज दे पाए कि अभी कौन से कॉलेज का क्या एंट्रेंस एग्जाम है, और बाद में आप कट ऑफ देखते रहिए अगर आपके आते हैं, तो 60% से अबव लाइए और कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा आराम से। तो प्राइवेट कॉलेज भी आप कर सकते हो, पर करिए जरूर, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज मैं आपको देना चाहता था कि बस अपने करियर को लेकर थोड़ा सा 1-2 साल फोकस रहिए अभी, तो आप आगे बहुत अच्छा कर पाओगे, और जो भी है सही है, बाकी सब आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को दबा लेना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आई होगी दोस्तों, और थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।